गाइस हम अंधे हो गए, गाइस हम अंधे हो गए भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है। इससे अपने भाई से 15 मीटर भी पीछे चल रहा हूँ ना तो मेरी विजिबिलिटी खत्म हो जा रही है। बिकॉज हमारी 360 की स्टिक हो गई है तो हमारा जो ड्रोन है वो चोरी हो चुका है, अब सब कुछ ही चला गया। एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, इसको ही हर्षल पूरा कनेक्ट करता है भाई। गंगोत्री का मार्केट रिएक्शन चेक करो गाइस। एक पहाड़ के बाद ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है वहां से ना प्रॉपर भाई, कितना प्यारा लग रहा है, कितना ऊंचा पर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज सुबह की शुरुआत हो रही है गंगोत्री धाम से। तुम्हारा भाई नहा धो के एकदम तैयार हो गया है, अभी हमें इसका ब्रेकफास्ट करने जाना है और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ पीछे के नज़ारे, तो इसे चेकआउट करो भाई। ये देखो, ये अपने दो बंदे हैं जो नहा रहे हैं, यहाँ पे तर बतर हो चुके हैं, चेक करें इन्हें। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। ओह, ग्लेशियर के पानी से नहा गए लौंडे हमारे। कितनी भाई, तू कांप रही लोगों की, मैंने जाना ये तो हमसे ना हो पाएगा, हमने नहा लिया, हम गीजर के पानी में, कोई दिक्कत ना, नाश्ता लग गया, जल्दी बुला रहे हैं तुम्हें। सो गाइस वो देखो वहाँ पे आपको ग्लेशियर दिख रहे होंगे, एक वो है और एक वो है, वहाँ से स्टार्टिंग है ग्लेशियर की ना, इन दो पहाड़ को छोड़ के। सो गाइस सुबह की जो शुरुआत हुई है वो बहुत ऑसम हुई है, क्योंकि वो है हमारा रूम और ये है व्यू। व्यू चेकआउट करो आप ज़रा, धूप बहुत तेज हो रही है अभी ना, तो इस टाइप से कुछ रूम है और ये है अपने लॉन्डे। अभी मैं आप लोगों का एक्सप्लोर करवाता हूँ, और जो मंदिर है ना गंगोत्री धाम, वो मंदिर है आपका उधर, वो रहा वो वाइट कलर का, वो ऊपर से दिखाऊंगा तुम्हें, वो रहा वो वाला है, और हमारा रूम ये था। तो गाइस ये हो रहा है हमारा नाश्ता, नवनीत भाई खा रहे हैं पोहा और चाय, और हम खा रहे हैं मैगी, और महंगा भी है और टेस्ट भी नहीं है। रात को भी हमें पता, चार्ज उन्होंने 1000 रुपये का खाना खाया, उस 1000 रुपये में दो दो रोटी थी और क्या था, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, जो मिक्स वेज था वो मिक्स तो था बट वो कच्चा वेज था, बिल्कुल भी पकाया नहीं था उसे, बहुत गंदा टेस्ट है यहाँ का, बहुत गंदा, मज़ा नहीं आया खाने में, खाने का थोड़ा सा इशू है। बट अगर फिर आप चेकआउट करोगे ये तो ये बहुत प्यारा है, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो इस टाइप से कोई व्यू देखो, ओहो हो नाइस, मैगी विद पहाड़। सो गाइस उतरते हुए हम वो अब दिखे शायद ग्लेशियर, ग्लेशियर ना दिखने स्टार्ट हो गए, सुबह सुबह नहीं दिख रहे थे, अब दिख रहा है मेरे ख्याल से, अब ना कैमरा जस्टिस कर लेगा उसे। गाइस तुम्हें दिखा क्या ग्लेशियर, वो देखो वो रहा हल्का सा, ये देखो दिख रहा है, एक पहाड़ के बाद ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है वहां से ना प्रॉपर, भाई कितना प्यारा लग रहा है, कितना ऊंचा पहाड़ है, वाओ। फोन का कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा बट बहुत सेक्सी लग रहा है इस समय ग्लेशियर ना यार, मैं तो देख ही जा रहा हूँ। तो भाई यहाँ से रास्ता है दर्शन के लिए जा रहे हैं हम, और ये पूरे के पूरे होटल्स हैं, हम लोग वो येल्लो वाले में रुके थे। पहाड़ चेक करो ऊपर का, पंडित जी आते हुए, एक्सक्यूज गाइस, और यहाँ पे ये पूरा भागीरथी रिवर बह रही है। सो गाइस आप लोगों को जैसे पता होगा कि गंगोत्री धाम इसी वजह से फेमस है कि यहाँ से ही गंगा निकलती है, और ये जो ये रिवर है ना इसको अभी भागीरथी बोला जा रहा है बट ये आगे संगम होता है देवप्रयाग में, तो ये भागीरथी और अलकनंदा मिलकर वहाँ से गंगा रिवर की शुरुआत होती है, बट जो ओरिजिनल गंगा रिवर है वो यहाँ से निकलती है गोमुख से, और गोमुख जाने का जो ट्रैक है वो यहाँ से राइट से है बट वो ऑलमोस्ट 17 से 18 किलोमीटर है, जहाँ की आप लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा। गाइस हमने प्रसाद ले लिया है और ये मंदिर है, तो गाइस ये है मंदिर, जय माँ गंगे, और हमारे हाथ में प्रसाद, अब दर्शन करते हैं, अंदर वीडियो अलाउड नहीं है तो मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। सो गाइस बहुत प्यारे दर्शन हो चुके हैं हमारे, प्रसाद हमारे पास है, और अंदर जाके एक अलग ही पॉजिटिव वाइब जो आती है ना वो जय माँ गंगे की वजह से ही है सब,
और आप लोगों को व्यू मैं चेक कर रहा हूँ, देखो चारों तरफ का कितनी प्यारी लोकेशन में है। इधर चेकआउट करो, और वहाँ पे तो ग्लेशियर है ही है, और इधर गंगा जी हैं, और जो हमारा गोमुख है वो यहाँ से 16 किलोमीटर आ गया है, वो हमें उन पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। गाइस चेक दिस आउट, ग्लेशियर, हम ग्लेशियर से कितने पास हैं, सिर्फ दो पहाड़ दूर हैं। अनजाने हो तुम, जो बेगाने हो तुम, जो पहचाने लगते हो। आज हो गया गाइस, बहुत ठंडा पानी है, सीरियसली बहुत ज्यादा ठंडा पानी, ठंडा चला गया। मैं सात डुबकी मार लो, बस सात डुबकी, जितने किले हो गए पूरे। अबे यार ये नहा कर दोनों पागल, सारे पागल दोनों नहा के आ गए। हमारा गंगा जल आ चुका है, अभी देखो, अभी आप लोग इसका कलर चेक करो, और जब हम थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे आप आपको स्ट्रगल। देखो ये देखो कितना भयंकर स्ट्रगल हो रहा है, इतना ठंडा पानी है ना, बस तुम पूछो मत। और कैसे बाहर देखो व्यू, भाग के कैसे बाहर निकल रहे हैं, ये व्यू ना, ये ग्लेशियर का पानी आ रहा। अरे रे रे भाई 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 गोमुख जाने के लिए 16-17 किलोमीटर का ट्रैक है, बट हम लोग इस टाइम पे नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोगों को जल्दी निकलना है यहाँ से ना। बट 2 किलोमीटर बाद यहाँ से राम मंदिर है, वहाँ से ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है आपका। ये देखो वो है ओपन मंदिर, भीड़ तो यहाँ पे भी बहुत है, जबकि यहाँ से आगे रोड ही नहीं है, पता है रोड ही ख़त्म हो जाती है, आगे बस सीधे ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है। ऑसम व्यू, ऑसम प्लेस, और ऑसम पहाड़। फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं बाका के पास। फ्लो चेक करो यार पानी का, फ्लो देखो भाई फ्लो। आगे होने वाला है बाका के दर्शन आप लोगों को, और हमने बाका को किस प्लेस में खड़ा किया था वो चेक करना। ओ भाई इस पत्थर पे देखो ना कितनी तेज पानी जा रहा है, अभी तो फ्लो कम है, रात को तो बहुत ज़्यादा था, और यहाँ खड़ा किया हमने बाका को। ऐसा कुछ नज़ारा है इस वैली का, वैली तो नहीं मतलब इस धाम का, वैली में तो अभी हमें जाना है पीछे। तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ गाइज, मैंने अब मेमोरी कार्ड चेंज करा है, बिकॉज मैंने जो मेमोरी कार्ड गोप्रो में लगा रखा था वो ख़राब हो रहा है। पर यार ये बहुत प्यारी जगह है भाई, यहाँ देखो ना बाका, तो मज़े ले लिए रात को। पता नहीं इस मेमोरी कार्ड को क्या होता है, रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा है, गोप्रो में तो कर ही नहीं पा रहा है। पीछे बैग में बंजिंग स्कॉट से बांध तो दिया है, बट लैपटॉप उसी में है, तो कुछ भजन ना हो, बट नीचे का व्यू चेक करो यार। भाई गंगोत्री का मार्केट रिएक्शन चेक करो गाइस, गंगोत्री धाम के रिएक्शन है, यहाँ आके बनाओ मार्केट रिएक्शन यार, तब माने। भाई साहब क्या रिएक्शन मिल रहे हैं। चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। ज्यादा भीड़ है नहीं बिकॉज अभी ऑफ सीजन चल रहा है, सीजन आने पे बढ़िया भीड़ हो जाती है यहाँ पे। मेरे YouTube का नाम है गेयर अप एंड डाउन, गेयर अप एंड डाउन। गोमुख तक वो जाती है क्या बाइक? बाइक नहीं जाती भाई, ट्रैक है आगे से पूरा, बाइक जाएगी नहीं, 16-17 किलोमीटर का ट्रैक है, आपको करना पड़ेगा पैदल। हाँ पैदल।
तो गाइस जय माँ गंगे कर दो एक बार, बिकॉज हम गंगोत्री धाम को अब विदा कर रहे हैं। भीड़ चेक कर रहे हैं आप, यहाँ पे भीड़ तो छक है अभी, और जबकि अभी ऑफ सीजन है। भाई चलाते हैं गाइस। ओ भाई व्यू चेक करो सामने का, ये नजारे जहां सर घुमा रहा हूं वहां नजारे हैं। बहुत ऊंचे पहाड़ है यार, वो देखो ना ये वाला जिसके नीचे से हम जा रहे हैं, वही चेक करो भाई। गंगोत्री धाम में इतने प्यारे दर्शन हुए ना हमारे, इतने प्यारे। हम बहुत सही टाइम पे आए, हमें रश नहीं मिला, हमें बारिश नहीं मिली, हमें कोई फालतू की चीजें नहीं मिली। बस अब हमें थोड़ा समझ के जाना पड़ेगा, बिकॉज उत्तरकाशी, हम जो उत्तरकाशी से देहरादून का सफ़र है वो थोड़ा शाम के टाइम ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना सही है कि भाई बहुत गर्मी है यार, सच में बाका फुल ओवरहीट हो जा रहा है। अभी हमें गलतांग गली जाना है, बट हम बहुत लेट निकले हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था मैं उस जगह। अभी हम लोगों ने ना देखो दो चीज़ें हैं वहाँ पे ना, एक है राम मंदिर जो उधर से 2 किलोमीटर का ट्रैक है, 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना, टोटल हो गया 4 किलोमीटर। फिर एक ट्रैक है आपका गौमुख, ठीक है, जहाँ से गंगा जी निकलती है वहाँ तक का ट्रैक है। बट हमारे पास ना गाइस टाइम नहीं था, क्योंकि कल से ऑफिस भी है, तो आज ही मुझे देहरादून लगाना पड़ेगा ना बाइक को। 292 हुआ है यहाँ तक, अब देखते जाते हुए कितना होता है, 290 मान लो। जो रोड है और जो शांति भाई, मतलब किसी को पीस चाहिए हो ना उत्तराखंड के पहाड़ों में, नॉट मसूरी अल्टी, उत्तराखंड के पहाड़ों में आ जाओ। देखो इस मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ हुआ, ये वैली है हलचल वैली, समझ रहे हो, मतलब इसको ही हलचल पूरा कनेक्ट करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये वैली ही पूरे हलचल है, उन्हीं पहाड़ों में हम, हलचल के पहाड़ों में हम लोग घूम रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाओ तो आपको गंगोत्री धाम मिल जाता है, बट जो मेजर चीज़ है वो यही है, इसी के लिए लोग आते हैं यहाँ पे ना। और एक गलतांग गली, तो गलतांग गली गाइस अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, इतना प्यारा व्यू है वहाँ से, पुल का भी, पुल पे भी इतनी प्यारी प्यारी रील्स बनेंगे ना, अभी देखना तुम लोग। ओह कुछ दिखाते हैं गाइस आपको। सो गाइस आपको कोई नज़ारे दिखाएं, लो नज़ारे चेकआउट करो फिर। और ये पता है ये एशिया का मेरे ख्याल से सबसे टॉलेस्ट ब्रिज है, और साथ में यहाँ पे जो डीप देखो, और ये पूरा का पूरा हैंडमेड है, ऐसा कुछ नहीं कि मशीनों के थ्रू बनाया गया है, ये पूरा का पूरा हैंडमेड है। क्या हुआ क्या, स्टार्ट कर लो, थ्रॉटल कर लो, चलाना मत बस, बैठ के थ्रॉटल मार लो बस। हाँ बैठ जाओ आराम से, थ्रॉटल मार लो, न्यूट्रल पे रखना बाइक, लो स्टार्ट कर लो यहाँ से, न्यूट्रल ही रखना, गियर मत मारना एकदम से भाग जाती है ये। क्लच छोड़ के खाली रेस दे लो, वो 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 भाई भाका का लुक तो बहुत सेक्सी आ रहा है वैसे कायदे में देखा जाए तो भाई। ये आवाज, गाइस हमें जाना था यहाँ से निलोंग वैली, एक भसड़ हो गई, अब निलोंग वैली का शायद देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा सब कुछ, नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। इस व्लॉग में मैं कुछ, जब तक व्यूज नहीं आएंगे तब तक उसी व्लॉग में कुछ नहीं दिखाना। अरे तू जा रही, यहाँ के बारे में बता देते हैं, ये है गलतांग गली, और इस गली का जो यूज होता था वो होता था तिब्बत जाने के लिए, तो लोग यहाँ से तिब्बत जाने के लिए यूज करते थे इसको। अभी गवर्नमेंट ने बीच में बंद कर दी थी ये, बट अभी कुछ टाइम से खोल दी है, तो खोल दिया तो पैसा भी कमाना है। अब फॉर एग्जांपल हम 5 जन हैं, 1000 रुपये हमारे लग गए, 100 रुपये सिक्योरिटी फीस लगी बोटलों की, बोटले वापस ला के दिखाएंगे तो वो 100 रुपये वापस मिलेंगे, वो चीज़ तो ठीक है, वरना वो नहीं मिलेंगे, वो बढ़िया चीज़ है।
तो उन्होंने पेनल्टी पहले ही रख ली कि अगर कोई बिना बताए जाए या बोतलें दिखाएगा तो अपना पैसा वापस लेके जा सकते हो। चिप्स वगैरह मतलब रैपर वैपर के लगता है चार्जेस ना। इन्हें ये भी रखना चाहिए ना कि वहाँ पे अगर कूड़ा मिले तो हर कूड़े में 500 रुपए मिलने चाहिए हमारे को भी। सो गाइज ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ये एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, बहुत गहराई में नदी बह रही है तो बहुत प्यारा व्यू आ रहा है वहाँ से। कुछ वो सब्सक्राइबर मिल गए थे मेरे तो उन्होंने हल्ला वल्ला मचा दिया वहाँ बाइक के साथ, तो हमें बैन कर दिया उस ब्रिज के लिए ना कि अगली बार से अपनी बाइक यहाँ नहीं लाओगे आप बाहर खड़ी करो, तो हमें कैंटीन में लगवाई कंट्रोल कंट्रोल। चलो गरीबों की तरह बैठे हुए अभी देखो गाइज हम कैसे बैठे हैं, बिकॉज हमारी 360 की स्टिक हो गई है तो हमारा जो ड्रोन है वो चोरी हो चुका है, अब सब कुछ ही चला गया है, तो 360 की स्टिक से हम ढूंढने भेजे लौंडे को ताकि हमारा काम चल जाए। ये रह गया बस खाली, सिर्फ हमारे पे 360 रह गया गाइस। गाइस हम अंधे हो गए, गाइस हम अंधे हो गए भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है। इससे अपने भाई से 15 मीटर भी पीछे चल रहा हूँ ना तो मेरी विजिबिलिटी खत्म हो जा रही है।